ये वाले जो हमारे क्रेन है इसके ब्रेक प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं और किसी भी चीज़ को हम उठा रहे हैं तो नीचे की तरफ आ रहा है। इसमें जो लेदर लगे होते हैं जिसे हम लोग ब्रेक शूज कहते हैं, तो वो लेदर भी पूरा घिस चुका है, तो उसे भी हम लोग रिप्लेस करेंगे। और भी कोई इसमें ख़राबी होगा उसको भी हम लोग रिपेयर करेंगे और आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूँ इम्तियाज, आप देख रहे हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसके हालत थोड़े बुरे हैं तो आप इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं हीट ट्रीटमेंट प्लांट में काम करता हूँ तो वहाँ पर आग और तेल पानी का काम होता है, इसीलिए धुआं उठता है, तो धुएं से सारे सामान काले हो चुके हैं, तो इस चीज़ को आप इग्नोर करिएगा। तो चलिए इस ब्रेक को हम लोग रिपेयर करेंगे और इसके लेदर को रिप्लेस करेंगे जो ब्रेक शूज होता है। तो सबसे पहले इसमें जो बोल्ट होते हैं नीचे की तरफ, उस बोल्ट को हम लोग खोल लेंगे और खोल के इसे बाहर की तरफ निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। ब्रेक को आपको पूरा लूज कर देना है और लूज करके बोल्ट खोल देने के बाद आपको इसे खींच लेना है, लेकिन उससे पहले इसका जो कनेक्शन होगा उसे भी आप खोल लेंगे, नहीं तो क्या होगा कि जो कॉइल का टर्मिनल हो सकता है कि टूट जाए। तो इस प्रकार से खोलकर और ब्रेक को पूरा लूज करके हथौड़े से हल्का हल्का चोट मार के बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल लेने के बाद पूरा एकदम सावधानी के साथ निकालेंगे क्योंकि ये भारी होता है, पर छोटी छोटी बोल्ट लगी होती है जो नट बोल्ट होते हैं, उसको आपको खोल लेना है, पूरा एकदम लूज कर लेना है ब्रेक को। उसके बाद यहाँ पर चेक नट टाइप लगाया होगा, इसको भी हम लोग खोल लेंगे। खोलने के बाद ये जो स्प्रिंग वाले बोल्ट हैं इसे भी हम लोग पूरा खोल लेंगे और खोल कर एकदम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे ब्रेक, ये जो ब्रेक का मैकेनिज्म है वो पूरा लूज हो जाएगा और काम करने में आसानी होगी। तो देखिए हमने यहाँ पर खोल लिया है, तो इस प्रकार से आपको भी खोल लेना है। उसके बाद जो जैसे था वैसे आपको स्प्रिंग, ये वाला स्प्रिंग भी यहाँ पर आता है, तो इसे भी निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। उसके बाद ये जो बोल्ट का सिस्टम है इसे भी आपको निकाल लेना है और एक एक चीज़ संभाल कर रखना है, कोई भी चीज़ आपको फेंकना नहीं है। फिर यहाँ पर सेंटर मार्कर निशान लगा लेंगे कि कौन वाला ब्रेक शूज किस तरफ रहेगा, इसीलिए आपको दोनों पर सेंटर लगा लेना है। जो सेंटर वाले हिस्से होंगे वो सेंटर की तरफ आप जब फिट करेंगे तो आपका सही मैच होगा। उसके बाद इसे भी हम लोग खोलेंगे तो इसमें पिन लगा होगा, लॉक पिन, उस पिन को बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकाल लेने के बाद हल्के हल्के चोट मारेंगे पिलास या हथौड़े से, तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर ऐसे नहीं निकल रहा है तो जो ठोकने वाले पेचकस होते हैं वो पेचकस रख के इसका ऊपर में चोट मारेंगे तो निकल जाएगा। तो दोनों का हमने यहाँ पर पीने निकाल दिए हैं, अब हम पेचकस रख के इस पर चोट मारेंगे तो ये हमारे बहुत आसानी से, इसमें जो लंबे वाले रॉड पिन लगे होंगे वो निकल जाएंगे। तो फटाफट से आपको दोनों का निकाल लेना है और निकाल कर एकदम अलग कर लेना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर दोनों निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे प्रकार से जो तार वाले ब्रश होता है उस ब्रश से घिस घिस कर सफाई कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे और काम करने में भी अच्छा लगे। किसी भी चीज़ को आप रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी सफाई करें, उसके बाद काम शुरू करें। इसमें ये वाला लेदर को हमें रिप्लेस करना है तो उसको सबसे पहले इसमें निकालेंगे, रिपीट मरा होता है, तो इस टाइप के एक पतली सी रॉड लेंगे, छोटी सी लेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे। उससे क्या होगा कि हथौड़े मारेंगे तो ये टेढ़ा नहीं होगा। तो इस प्रकार से रॉड रख के और चोट मारेंगे हथौड़े से तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर ऐसे चोट मारने में आपको डर लगता है तो पिलास से ऐसे पकड़ लें और पकड़ के चोट मारे रिपीट के ऊपर में, इसमें जो रिपीट लगे होंगे वो निकल जाएंगे। इसी प्रकार से एक में छः रिपीट लगाए होते हैं तो छों को आपको निकाल लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों निकाल लिया है और इसी साइज का लेदर मतलब कि ब्रेक शूज और रिपीट खरीद के लाएंगे और इसमें लगाएंगे। तो चलिए पहले सामान को इकट्ठे कर लेते हैं और इसमें जो भी लेदर लगेंगे, ब्रेक शूज लगेंगे, उसको खरीद के लाते हैं और लाकर इसमें फिटिंग करने का वीडियो आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पर सारे सामान को खोलकर इकट्ठे करके एक जगह में रख दिए हैं, कुछ भी इसमें से गुम ना हो, पूरा एकदम संभाल के रखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर मार्केट से ख़रीद कर मंगवा लिया है, इसका प्राइस हमें नहीं मालूम है क्योंकि हमारे जो बाबू हैं वो लाए हैं, कंपनी का ओनर, तो हम लोग प्राइज वाइज नहीं पूछे हैं, हमें तो सामान से मतलब होता है और काम करने से मतलब होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से रख लेंगे और रख कर पतली कोई पेचकस होगा उससे इसके जो सुराख होंगे वो चेक कर लेंगे कि सारे मैच होते हैं कि नहीं। तो हमारे केस में सारे मैच हो रहा है, तो अब हम इसमें रिपीट डालकर देखेंगे और इसको फिट करेंगे। इस प्रकार से जैसे रिपीट आपने खोला होगा बिल्कुल सेम टू सेम वही रिपीट आपको लगाने हैं।
तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से इसमें रिपीट डाल के हल्के हल्के चोट मार लेना है, छोटी कोई हथौड़ा है तो या पिलास से अभी आप मार सकते हैं। सारे में जब लग जाएगा तो हल्की हल्की हथौड़े से चोट मारकर बराबर एकदम बैठा देना है। बिल्कुल आपको ज़्यादा हेवी चोट नहीं मारना है, नहीं तो आपके रिपीट भी ख़राब हो जाएंगे और हो सकता है कि ये जो आपके ब्रेक शूज़ हैं ये भी टूट जाए। इसीलिए आपको हल्की हल्की और सावधानी से चोट मारना है इस पर। जब इस प्रकार से आप फिट कर लेंगे तो क्या करेंगे, जो रिपीट का हेड होगा उस हेड से थोड़ा सा पतली आपको बोल्ट लेना है। इस प्रकार से बोल्ट लेकर और प्लास से कुछ इस हिसाब से आपको पकड़ लेना है। उसके बाद जो रिपीट है उसके हेड पर रख के हथौड़े से चोट मारना है। जब आप हथौड़े से चोट मारेंगे तो ये आपके रिपीट जहाँ पर जाके फिक्स होना है वहाँ पर जाके फिक्स हो जाएगा और लेदर के एकदम निचले हिस्से तक, मतलब कि ये जो ब्रेक शूज़ है उसके निचले हिस्से तक चला जाएगा। तो आपके ये जो जब भी क्रेन की मोटर चलेगी तो ये रिपीट उसमें टच नहीं होंगे उसके रोटर में। तो इस प्रकार से आपको सारे रिपीट को ठोक देना है और दोनों में लगा लेना है। बिल्कुल एकदम अच्छे प्रकार से रिपीट को नीचे की तरफ टाइट फिक्स कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पर सारे रिपीट को फिक्स कर चुके हैं दोनों में, आप रिपीट लगा दिया है और लेदर लगा दिया है। तो अब हम इसे फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए जो कॉइल में स्क्रूप लगे होंगे उसको भी आपको चेक कर लेना है, एक एक नट बोल्ट चेक करके अच्छे प्रकार से टाइट कर देना है। हमारा यहाँ पर जो पतली वाली बोल्ट लगी थी उसका थ्रेड ख़राब हो गया था, तो हम इसमें टैप बिट से थ्रेड बना देंगे। बना देने के बाद इस प्रकार से इसमें आपको दो नट बोल्ट डालने हैं, एक नट बाहर रहेंगे एक नट अंदर रहेंगे, और लंबे जितने लंबे पहले से बोल्ट लगा होगा उतना ही लंबा आपको बोल्ट लगाना है। यहाँ पर अंदर बाहर दोनों तरफ नट लगा देंगे, ये चेक नट के काम करेगा और हेवी पकड़ बनेगा। उसके बाद इस टाइप से रखेंगे और ये वाले जो लंबी वाली पिन है इसमें लगाया हुआ था रॉड, इसको आपको रख के और हल्के हल्के हथौड़े से चोट मार के इसे बैठा देने हैं। बैठा देने के बाद इसमें जो छोटी वाली पिन आपने निकाला था वो पिन डाल के और इसे प्रॉपर लॉक कर देंगे। फिक्स करने से पहले आपको सेंटर देख लेना है कि आपने किस में सेंटर मार के निशान लगाया था, उसी हिसाब से आपको फिट करना है। नहीं तो कई बार होता है ना कि इधर वाला उधर, उधर वाला इधर आ जाता है। उसके बाद इसके स्प्रिंग है इस प्रकार से आपको रखना है, और रखने के बाद इसके अंदर के जो मैकेनिज्म है इस प्रकार से पत्ती रखना है। लेकिन पत्ती को ये जो लंबे वाले चौरसा इसमें एक रॉड है उसको इस प्रकार से डालना है और स्प्रिंग के बीचों बीच उस पत्ती को रखना है। पत्ती में स्लॉट बने होंगे जो मैं आपको थोड़ा दिखाना भूल गया, इस प्रकार से रख के अंदर की तरफ ढके लेंगे तो बहुत आसानी से आपका फिट आ जाएगा। आने के बाद जो ब्रेक के कॉइल में मोटे वाले चार कोना का जो रॉड जाता है उसको इस प्रकार से बैठा देंगे इसमें। उसके बाद इसमें जो बोल्ट टाइट किया हुआ था वाले बोल्ट को जैसे आपने खोला था इस प्रकार से, वाशर और चेक नट दोनों बाहर रहेंगे, इसको बाहर करके इस प्रकार से इसमें टाइट कर देंगे। जिसमें ये बोल्ट जाकर टाइट हो रहा है दोस्तों उसमें एक स्लॉट बनाए हुए हैं, तो ये पत्ती उस स्लॉट के ऊपर में आपको चढ़ा देना है, नहीं तो आपके क्रेन में दिक्कत आएगी, मतलब कि ये जो ब्रेक है उस ब्रेक को काम करने में दिक्कत आएगी। तो हमने यहाँ पर फिट कर लिया है, अब चलिए इसके अंदर टाइट कर देते हैं। जैसे इसको टाइट किया हुआ था वैसे हमने खोले थे, बिल्कुल उसी प्रकार से इसको इसमें आपको फिट कर देना है। और फिट करने के बाद आपको एक चीज़ ख्याल रखना है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, हमने यहाँ पर इसके कनेक्शन वनेक्शन सारे कुछ कर दिए हैं। यहाँ पर कट होगा, इस पत्ती को इस कट में ही रख के आपको फिक्स करना है, तभी आपके ब्रेक प्रॉपर काम करेगा। और आपको कभी लूज टाइट करना हो ब्रेक को तो आप कैसे करेंगे, ये वाले नट को लूज करेंगे दोनों को और इसको हल्के हल्के टाइट करेंगे, उसके बाद ये वाले नट को टाइट कर देंगे तो आपके ब्रेक टाइट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो पतली वाली आपने नट बोल्ट लगाए थे वो नट बोल्ट आपको दिख रही है, इसे भी हल्के हल्के टाइट करके जो ब्रेक शूज है इसको आगे की तरफ ढकेलना है ब्रेक को टाइट करने के लिए, तो उससे भी हल्का फुल्का टाइट होता है और बाकी स्प्रिंग वाले बोल्ट से भी टाइट होता है। तो चलिए अब हम इसको आपको लोड को उठा के दिखाते हैं, कोई भारी चीज़ को उठा के दिखाते हैं कि हमारे ब्रेक प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए हमने यहाँ पर दो टन के एक फिक्चर उठाए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं हीट ट्रीटमेंट प्लांट में काम करता हूं तो ऐसे फिक्चर भट्टी में डाला जाता है, तो हमने इसे उठाया है और ये 2 टन की है हमारे, और क्रेन का ब्रेक प्रॉपर काम कर रहा है। इस प्रकार से आप क्रेन की जो ब्रेक शूज होते हैं उसे रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल प्रेस करिए, और हमारी ये वीडियो से कोई क्वेश्चन है आपके तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा।